हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड योर फ्रेंड्स। आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस में जुड़कर यूट्यूब चैनल के माध्यम से 12th क्लास के फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए स्वागत है। आप लोग निश्चित रूप से अपने घर में सुरक्षित होकर पढ़ाई कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, पढ़ाई का आनंद उठा रहे हैं। आनंद बहुत तरह का होता है, लेकिन घर में रह के बहुत तरह का आनंद नहीं मिल सकता है, लेकिन पढ़ाई का तो आनंद मिल रहा है। चलिए हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। किरचॉफ्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ। आज आपका उसका सेकेंड लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। फर्स्ट लॉ को मैंने डिस्कस करके आपको क्वेश्चन भी बता दिया था, ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया था, आप लोगों ने जवाब दे दिया था, मतलब 100% संतुष्ट हैं आप। अब आप लोगों के सामने क्लास का जो रूप होगा वो सेकेंड लॉ से स्टार्ट होगा। कि चौब सेकेंड लॉ क्या है, आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ आपको बता दिया था मैंने कि ये वोल्टेज लॉ है, या इसको लूप लॉ हम लोग कहेंगे, और ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के पालन करता है, मतलब इसमें ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। इतना चीज आपको मैंने पहले रटवा दिया है पिछले क्लास में ही, आपको एकदम 100% याद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ाते हैं। कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी किरचॉफ सेकेंड लॉ को आपको बताया था, इसको हम लोग वोल्टेज लॉ कहते हैं। इसको शॉर्ट में बोला गया था KVL, और इसको हम लोग कहते हैं लूप लॉ। अब इसमें देखेंगे हम लोग ये सेकेंड लॉ विद्युत परिपथ में किरचॉफ्स सेकेंड लॉ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन करता है। ये सारे वर्ड आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें से हम लोग देखेंगे तब इनका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ का कहना है कि कोई बंद परिपथ हमको चुनना पड़ेगा, और उस बंद परिपथ में हमें दो चीज़ देखना होगा,
कि टोटल्स ईएमएफ कितना है, इफेक्टिव ईएमएफ कितना है, मतलब कुल विद्युत वाहक बल कितना है, और परिपथ के प्रत्येक ब्रांच में विभवांतर कितना कितना है, इन दो चीज़ों को खोजेंगे और उसी के आधार पर हमारा ये स्टेटमेंट होगा। तो क्या कहता है, चलिए स्टेटमेंट को लिखेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, किसी बंद विद्युत परिपथ, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट या लूप उसको बोलेंगे, में किसी बंद विद्युत परिपथ में कुल विद्युत कुल या प्रभावी, कुल या प्रभावी विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में कहेंगे टोटल ईएमएफ का मान परिपथ के प्रत्येक शाखा ब्रांच इच ब्रांच में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल अर्थात विभवांतर का अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। हम लोग ऐसा कहेंगे, ये हुआ आपका स्टेटमेंट, या इसको हम दूसरे तरह से बोलेंगे। दूसरे तरह से क्या बोलेंगे, गौर से देखिएगा। अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा डेल्टा भी, मतलब विभवांतर, या यही हो जाएगा सिग्मा आई इंटू आर, या बोल सकते हैं टोटल ईएमएफ आई इंटू आर के गुणनफल के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। यही बात आपको लिख देना है। यदि आप स्टेटमेंट लिखे रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट इतना सा लिख देंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे फिगर के द्वारा, तो कुछ खाली जगह करना चाहिए। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से ले लिया, और इसको हम लोग दो बार बोलेंगे। अब जहाँ भी हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, अब बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, उस लाइन को, पूरे लाइन को, यदि वीडियो रोकना हो रोक के आप उस लाइन को पढ़ के दो बार फटाफट बोल के याद कर लें, तुरंत तुरंत याद कीजिए। मैं आपको याद करवा रहा हूँ, किसी बंद विद्युत परिपथ में, मतलब उसमें सेल भी है, एक से अधिक भी सेल हो सकता है, शाखा कहने का मतलब बहुत सारा प्रतिरोध भी हो सकता है, तो कोई एक बंद परिपथ का चर्चा करेंगे। आपको ये बात बता दिखा था मैं कि बंद परिपथ का मतलब क्या समझना है, तो उस बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल या प्रभावी विद्युत वाहक बल का जो मान होता है, वह प्रत्येक शाखा में जितना भी प्रतिरोधक को जोड़ेंगे वहां पर प्रत्येक में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का
तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है आपको दिमाग में है, वही तो विभवांतर होता है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर या विभव पतन भी उसको बोल सकते हैं, का कुल योग अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। फिर से फाइनल बोलते हैं, आपको याद कर लेना जल्दी से, किसी बंद विद्युत परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल या प्रभावी बल विद्युत वाहक बल का मान उस परिपथ के प्रत्येक ब्रांच प्रत्येक शाखा में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अर्थात विभवांतर का अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। यही है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है, हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, हम लोग जनरली इसी बात को यूज करेंगे, इसको दूसरे तरह से भी बोला गया है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में इसी स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग आगे का सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए इसको फिगर में समझाएंगे, पहले आप देख लीजिए गौर से, इसको दूसरे तरह से भी बोला जा सकता है, अर्थात आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि चौब सेकेंड लॉ को किसी बंद परिपथ में कुल विभवांतर, कुल विभवांतर का मीनिंग क्या समझेंगे हम लोग यहां पर, कुल विभवांतर का मतलब समझेंगे कि जितना भी ब्रांच आपके सामने है उस सभी के ब्रांच में, प्रत्येक ब्रांच में जो विभवांतर होगा और जो ईएमएफ होगा उस सब का अलजेब्रिक सम जीरो कर देंगे। तो यहां पर कुल विभवांतर या ना बोलने के बदले हम लोग कुल वोल्टेज बोल सकते हैं, वोल्टेज का अलजेब्रिक सम, या इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल का अलजेब्रिक सम जीरो होता है, अर्थात इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे डेल्टा वी प्लस ई बराबर जीरो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बोलने का मतलब हुआ यहाँ पर कि सर हम लोग प्रत्येक ब्रांच में जो विभवांतर होगा वो और उस पूरे परिपथ में जो ईएमएफ होगा उस सब का अलजेब्रिक सम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही लाइन हमको बताना चाहता है कि सेल परिपथ में धारा भेजेगा और जो चालक तार है वो उसका उपयोग करेगा, उसको खर्च करेगा। तो जो ऊर्जा सेल भेजेगा या ऊर्जा उसको खर्च करेगा, तो इस तरह से कहा जाता है कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है लेकिन ऊर्जा का यहाँ पर उपभोग होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है, दूसरे रूप में ऊर्जा का बर्बादी नहीं होता है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। तो चलिए इस तरह से ये बातें हो गया। तो हम लोग जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिए हैं उसी का उपयोग करेंगे, उसी को इस तरह से लिखने का कहा कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको आपने लिख लिया, देख लिया, अब यहाँ पर इसका हम लोग फिगर के द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर इस स्टेटमेंट को समझेंगे। हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे।
आइए गौर से विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कुछ बात नोट करके समझना है। नोट में साइन कन्वेंशन, साइन यूज करेंगे, कहीं पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, कहीं निगेटिव साइन यूज करेंगे। तो इसमें से देखना है आपको कि बंद परिपथ में, बंद परिपथ में यदि हम लोग हैं तो क्लॉकवाइज हमें बंद परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमना पड़ता है। तो घूमने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि यदि मैं क्लॉकवाइज हो रहा हूँ तो पॉजिटिव साइन यूज़ करने का कोशिश करेंगे, और यदि हम लोग एंटी क्लॉक यूज घूमेंगे तो निगेटिव साइन यूज करेंगे। ये एक सिंपल कन्वेंशन है, उसको आगे जैसा बढ़ रहा हूँ। अब देखना गौर से, यदि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो और करंट भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वहाँ पर फ्लो हो रहा है, तब वह करंट पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि करंट एंटी क्लॉक हो गया और आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो करंट वहाँ निगेटिव हो जाएगा। एक बात, दूसरी बातें उसको हम लोग इस तरह से देखेंगे। परिपथ में मान लीजिए ये चालक का तार है, कोई एक ब्रांच मैंने लिया, बहुत सारा ब्रांच उसमें होगा, बंद परिपथ में एक ब्रांच मैंने कोई चुन लिया वहाँ पर, और उस ब्रांच में ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और इसमें प्रतिरोध है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से आई। तो जिस तरह से किसान में करंट फ्लो हो रहा है, और यदि मैं ए से बी की ओर जाता हूँ तो यहाँ से मैं यदि ए की ओर मूव करता हूँ और करंट भी उसी दिशा में मूव कर रहा है, तो यहाँ से भी ए बी जो होता है वो होता है आई इंटू आर, और ये क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थिति आपके सामने आएगा कि सर वही चालक तार है, सपोज कर लेते हैं उसका रेजिस्टेंस आर है, और इस रेजिस्टेंस में ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, करंट इधर से फ्लो हो रहा था और हमें ए से बी की ओर जाना है, हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो करंट के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो वहाँ पर भी ए बी हम लोग को कहना होगा बराबर माइनस में लेंगे आई इंटू आर, क्योंकि कभी आपको करंट के दिशा में घूमना पड़ेगा, क्योंकि घूमना कोई एक ही दिशा में है, या तो क्लॉकवाइज आप रोटेट कीजिए या एंटी क्लॉक रोटेट कीजिए। तो मैं आपको बताया कि क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब आप अपने आप को पॉजिटिव समझेंगे, और करंट भी उसी दिशा में है तो आई आर पॉजिटिव लेना है, और यदि आप करंट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं पॉजिटिव मानकर, और यदि करंट उसका उल्टा चल रहा है एंटी क्लॉक में, तब वहाँ पर आई आर को निगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन है, वह इसको याद रखना है। दूसरी बातें हम बच्चों को दिमाग में सेट करना है, आइए उसको ठंडे ठंडे दिमाग से समझने का कोशिश करेंगे। रेडी तैयार हैं? वेरी गुड। अब हम लोग विचार करेंगे यहाँ पर सर, तीसरा पॉइंट में हम बच्चे लोग देखेंगे कि सर यदि सेल जुड़ा हुआ है सर्किट में इस तरह से, ए बिंदु और बी बिंदु है मान लीजिए, और इसमें इस तरह से सेल जुड़ा हुआ है, और हम ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं, और हमें इस रास्ते में इस तरह से सेल जुड़ा हुआ दिख गया, तो सेल का जो करंट भेजने का नेचर होगा इधर से होगा, लेकिन हम लोग उसके उल्टा जा रहे थे, तो यहाँ पर ईएमएफ जो लेंगे वो ईएमएफ आपका माइनस ई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पर ईएमएफ क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। इस बात को आपको एकदम खूब अच्छा से दिमाग में रखना है, सेट कर लेना है। सेट हुआ मन में? यस सर। चौथा बात आपको सेट करना है, आपकी यह स्थिति भी आपके सामने आ सकता है कि सर्किट में सेल जुड़ा हुआ है इस तरह से, और ऐसा सेल जुड़ा हुआ इस तरह से, और आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए बिंदु लिए हैं, बी बिंदु लिए, ए से बी की ओर जा रहे हैं, और सेल इस तरह से जुड़ा है, तो सेल का करंट भेजने का नेचर यह होगा, नेचर इसका देख रहे हैं कि एक प्लस से करंट निकलता है,
तो यहाँ से यदि निकल रहा है तो इस तरह से इस दिशा में यदि हम मूव कर रहे हैं ए से बी की ओर और सेल मेरा सामने में ऐसा दिखा, मतलब हम प्रवेश कर रहे हैं माइनस से, निकल रहे हैं प्लस से, तो इसका मतलब करंट में फ्लो होने का जो इसका ओरिजिनल नेचर है उसी नेचर में हम मूव भी कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ईएमएफ लेंगे वो ईएमएफ आपका पॉजिटिव लेना है। तो ये चार स्थिति आपके सामने होगा किसी बंद परिपथ में, जब आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे, टोटल ईएमएफ लेना चाहेंगे या किसी ब्रांच के में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लेना चाहेंगे। तो कहा मैंने अलजेब्रिक सम लेना है बाबू मेरे प्यारे, तो ऐसे स्थिति में बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि सर यदि रिपीट कर देते हैं जल्दी से, यही मेन लाइन है, इसको जो बच्चा चारों पॉइंट दिमाग में बैठा लेंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे पूछते भी जाऊंगा, लिखते भी जाऊंगा, बताते भी जाऊंगा, और लिखा हुआ है खाली समझाना है, पूछना है। आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, इसमें फिगर में करंट किधर से किधर फ्लो होता हुआ दिख रहा है, तो करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है ए से बी की ओर, वेरी गुड, सही जवाब है, तो ए से बी की ओर दिख रहा है। अब इसमें आप मूव कर रहे थे तो आपके सामने ये ब्रांच आया और आप मूव किए ए से बी की ओर, करंट भी फ्लो हो रहा है ए से बी की ओर, तो उस समय इस ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट लेंगे तो वो दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, विभव पतन को बताएगा, और वो विभव पतन ए बी सिंबल यदि दे दिए, मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आई आर का मान पॉजिटिव लेना है, राइट। अब देखिए गौर से, यहाँ पर आप याद आ गया, दिमाग में सेट को गया कि यदि करंट फ्लो हो रहा है बी से ए की ओर और आप मूव कर रहे हो ए से बी की ओर, बी से ए करंट फ्लो हो रहा है और आप मूव कर रहे थे उसमें ए से बी की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई आर निगेटिव, उल्टा हुआ निगेटिव हुआ। सेल का इधर नेचर भेजने का, जो नेचर भेजने का नेचर है सेल का सर्किट में, उसी दिशा में आप मूव किए, उसी दिशा में मूव किए नीचे वाला चौथा में, तो ईएमएफ पॉजिटिव, उसके अपोजिट मूव किए तो ईएमएफ निगेटिव लेंगे। इतनी बातों आपको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। यदि आपने इसको सेट कर लिया तो चलिए आइए अब मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे आप लोग। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है। सेकेंड लॉ में आपने देखा, अभी बताया था फर्स्ट स्टेटमेंट उसका जो मैंने लिखा था उसी को हम लोग यूज करेंगे, सेकेंड का यूज करेंगे तो ये सारा स्टेटमेंट बदल जाएगा फिर, इसीलिए हम लोग कोई एक को फॉलो करेंगे, सबको फॉलो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रिक बताया मैंने वो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया, सेकेंड लॉ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया, और ये ट्रिक मेरा फेल हो जाएगा यदि सेकेंड स्टेटमेंट का यूज करना चाहेंगे तो, वहाँ पर फिर कुछ बातें हम का साइन कन्वेंशन बदल जाएगा, इसलिए हम लोग कोशिश एक ही बात को पकड़ के चलेंगे, उसी से काम करना है। तो चलिए अब मैं एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ सेकेंड लॉ का एग्जांपल क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, सपोज कीजिए एक सर्किट हमारे पास है, ये एक बंद परिपथ है आपके पास, एक जाल था, जाल में से हम एक बंद परिपथ को निकाल लिए, इधर भी तार जुटा हुआ था, इधर भी बहुत सारा जुटा हुआ था, और ए बिंदु इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, जंक्शन का नाम तो देना पड़ेगा, तो यह मेरा एक बंद परिपथ हो गया, या एक बंद परिपथ हो गया, क्लोज सर्किट बन गया ये सर, क्लोज्ड सर्किट, ये बंद परिपथ आपका हो गया, राइट, क्लियर दिख रहा है सब चीज, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये क्लोज सर्किट आपका है, इस क्लोज सर्किट का नाम हुआ ए बी सी ए, जहां से चलेंगे वहीं पर लाके लास्ट करेंगे। ए बी सी ए का मतलब हुआ आपको ए से बी की ओर जाना है, बी से सी की ओर, सी से फिर ए पर आना है, इसका यही मतलब हुआ, किधर से चल के किधर जाना है, तो आप जो चलोगे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, मैंने आप ये सोच लिया अभी तुरंत। हाँ ये बात है कि आप एंटी क्लॉक को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, तब वो सारा नियम फिर उल्टा पुल्टा होने लगेगा, इसलिए कोई एक ही बात को पकड़ के चलना है, तो मैं क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव लेके चलूंगा, उसी आधार पर मैं काम करूंगा।
तो चलिए आइए अब यहाँ पर से देखना है आप बच्चों को कि सर यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। अब इसमें अमीटर जोड़ के मैंने देखा, अमीटर जोड़ के देखा तो देखा इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 इधर, उसका डायरेक्शन ये है। इसमें मैंने अमीटर जोड़ के देखा, देखा कि करंट फ्लो हो रहा है इधर I2। इसमें अमीटर जोड़ के देखा, सॉरी अमीटर तो नहीं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर धारा का दिशा नहीं बताता है, धारा का सिर्फ परिमाण बताता है। मैंने इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ा तो इसमें देखा करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में। तो हो सकता है आपके मन में आया होगा, सर इधर से चलेगा तो करंट इधर कहाँ जाएगा? भाई मेरे जंक्शन है, किसी भी जंक्शन पर सभी करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में आपने देख लिया। उसी कंसेप्ट को मैं सोचते हुए आ रहा हूँ कि ये करंट यहाँ आया होगा, ये भी करंट आया निकल के इधर गया होगा, चूंकि ये तो बहुत बड़ा जाल था ना, जाल का मैंने एक बंद परिपथ का सिलेक्शन करके डिस्कशन किया है। तो ये सब करंट, ये दोनों आया होगा, इनकमिंग हुआ यहाँ, आउटगोइंग उधर हुआ होगा, यहाँ से आ रहा होगा करंट, एक कुछ इधर बढ़ गया होगा, कुछ इधर बढ़ गया होगा, राइट। अब यहाँ से ये करंट इधर से आया, इधर से भी करंट आया होगा, ये दोनों मिल के इसमें गया होगा I1, मे बी पॉसिबल। तो फर्स्ट लॉ का उपयोग करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो करंट फ्लो हो रहा है, मैंने देखा बस फिगर में इंडिकेट है। अब यहाँ पर सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, तो सेकेंड लॉ में सबसे पहले हमें निकालना है टोटल EMF, दो चीज देखना है, टोटल EMF कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका सिंबल लिखने कहा था सिग्मा ई, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, जीरो। क्यों सर? क्योंकि इस परिपथ में नहीं, बंद परिपथ में, इस बंद परिपथ में, इस बंद परिपथ में सेल नहीं है। जब सेल है ही नहीं तो विद्युत वाहक बल किसका गप होगा? विद्युत वाहक बल, टोटल EMF क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। संतुष्ट है? हाँ सर। सेल नहीं भी हो सकता, याद रखिएगा, बाहर में सेल होगा, इधर होगा, इधर होगा, हो सकता है उधर होगा, लेकिन इस बंद परिपथ में सेल अभी नहीं है, नहीं है तब क्या करेंगे? हम तीन एग्जाम्पल चुनेंगे, तीनों एग्जाम्पल से अलग अलग बात बताएंगे। तब यहाँ पर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ अप्लाई करना है, शॉर्टकट में हम इसको लिखने सिखा देते हैं आपको, KVL लिख देंगे, समझ जाइएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हम लोग क्या कर सकेंगे सर? तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, टोटल EMF तो आप जीरो लिख दिए, अब हमें क्या लिखना है, टोटल विभवांतर प्रत्येक ब्रांच का, उसमें क्या होगा, फर्स्ट ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे, सेकेंड में प्रोडक्ट लेंगे, थर्ड में प्रोडक्ट लेंगे, और सबका अलजेब्रिक सम करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर, तो क्लोज सर्किट, CLOSED, क्लोज्ड सर्किट, ABCA, इसका लिखने का मतलब होता है कि मैं किधर से किधर जा रहा हूँ, राइट, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लोज सर्किट में हम बच्चे लोग देखेंगे, पहला ब्रांच हुआ AB, AB में हम A से B की ओर जा रहे हैं, तो इसमें करंट भी उसी दिशा में फ्लो हो रहा है, तो बताइए आप लोग यहाँ पर IR पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, जल्दी बताइए, आप ही लोग को बताना है, यहीं से स्टार्ट हो गया आपका। A से B की ओर जा रहे हैं, करंट भी A से B की ओर फ्लो हो रहा है, हम भी जा रहे हैं A से B की ओर, पूरे बंद परिपथ में हमको घूमना है, दौड़ना है, चक्कर लगाना है, तो मैं A से B जा रहा हूँ, करंट भी उसी दिशा में जा रहा है, तो IR का मान क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। वेरी गुड, सही जवाब है आप लोगों का, एकदम बहुत अच्छा, सही जवाब दिया आपने, वाह वाह वाह, पकड़ लिए बात को आप लोग। अब उसमें एक दूटो उल्टा पुल्टा करेगा होगा, जो दुख बाद में आएगा, जो शुरू से नहीं सुनेगा उसका ऐसे माथा चकराएगा। चलिए ठीक है, तो आपने दे दिया सर, AB में मैंने सोच लिया I1, R1, इसके आगे क्या सिंबल दिया, पॉजिटिव, बहुत अच्छा।
अब आइए बी से सी पर पहुंचना है आपको, तो आप गति कर रहे हो इस दिशा में, पहले दे दिया है कि हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो यहाँ बी से सी जा रहे हैं लेकिन करंट किधर फ्लो हो रहा है, सी से बी की ओर, तो आपका जो गति है वो करंट की दिशा के उल्टा है, तो क्या लेंगे यहाँ पर जल्दी बताइए, आई आर का मान पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, यस वेरी गुड। तो यहाँ पर आई वन आई टू लेंगे, सॉरी आई टू इंटू आर टू, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ इसको माइनस में लेंगे, किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, राइट। चलिए अब तीसरा ब्रांच में आइए, सी से ए पर जाना है, करंट का भी वही दिशा है और आप उसी दिशा में मूव भी कर रहे हो, तो बाबू यहाँ पर आप लोग खुद होशियार हैं, आप बता देंगे मेरे पहले प्लस में ले लिया। इस सब का अलजेब्रिक सम जो लेंगे गुरुजी, यही होगा आपका सिग्मा डेल्टा भी होगा। तो सेकेंड लॉ कहता क्या है कि टोटल ईएमएफ और प्रत्येक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम इक्वल होता है। इसका मतलब है यहाँ पर मैं कहूँगा सर आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू प्लस आई थ्री इंटू आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस तरह का यदि आप इक्वेशन लिखने सीख रहे हैं तो बड़े से बड़े, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल विद्युत परिपथ में भी करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन को आप आराम से बता सकेंगे। और कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने कहेगा, आई आर भी जो भी निकालने कहेगा, आप आराम से लिख लेंगे। तो इस फिगर के अनुसार आपने ये देख लिया, ये एग्जाम्पल नंबर वन आपका था। अब मैं दूसरा फिगर बना के एग्जाम्पल नंबर टू चुनेंगे और आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने सेल नहीं रखा था, बिना सेल वाला सर्किट दिया था, क्योंकि ऐसा भी सर्किट आपके सामने आएगा, तो यदि इसका एग्जाम्पल नहीं दिए रहते तो वहाँ पर आप यूज करने में फंस जाते कि सर अब क्या करेंगे, यहाँ तो सेल है ही नहीं है। तो मैं आपको पहले दिखा दिया, सेल नहीं भी रहेगा तो आपको क्या करना है, संतुष्ट हो गए राइट, कंप्लीट संतुष्ट है, यस करके बताइए, तो एकदम यस कर देखते हैं, एकदम लाइक करते जाइए, यस करते जाइए, उसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं है। हाँ यदि लगेगा कि पढ़ाई खराब है सर का, अनलाइक कर दीजिए, लेकिन मुझे भी अपने ऊपर गर्व है, घमंड नहीं है, गर्व है, इसीलिए मैं बहुत दिन से हल्ला कर रहा था और ये चाह रहा था कि सभी बच्चे जब प्रॉपर वे में एकदम एक्टिव हो जाएं तब ये सब टॉपिक को रखें। और मैंने प्रेशर भी बनाया है, वीडियो भी ऑफ कर देते हैं और ऑफ कर भी देंगे, एक घंटा के बाद वीडियो ऑफ हो जाएगा आपको, इसलिए गंभीर होकर पढ़ना है। और ये सब टॉपिक छूटा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जड़ गया, तो जाने नहीं देना है आप लोगों को और हमको भी नहीं जाने देना है, प्यार दुलार से आपको काम करवा लेना है, गुरुजी का यही मेन काम है, बिगड़े को बनाना ही गुरुजी का काम है, बदले को बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो अच्छे हैं उसको अच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा कर देना ही काबिलियत है, उसी की बहादुरी है, उसी को बहादुर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं जो लकड़ी का काम करने वाले मिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री क्या कहते हैं उसको, क्या कहता है जी लकड़ी का काम करने वाले मिस्त्री को, भराई, हाँ, उनको जो है यदि हम लोहा का सामान ला के दे दें, लकड़ी बनाने वाला सामान था, पलंग बनाने वाला, हम लोहा ला के रख दें, कहेंगे लोहा से बनाइए पलंग, कहेंगे भाई मैं तो लकड़ी बनाने वाला काम करता हूँ, आप लोहा ला के रख दीजिए, तब वो क्या करेंगे, थोड़ा हेल्प लेंगे, लोहा वाले मिस्त्री को बुलाएंगे, उसका हेल्प लेके तब करेंगे। तो वही बात है, हम लोग लकड़ी से सामान बनाने वाले मिस्त्री हैं और हमारे कुछ बच्चा लोहा का सामान ला के रख देता है, कहता है अब हमको बना के दिखाइए पलंग, तो बाबू मदद लेंगे हम निश्चित, आपका भी वो भी करने के लिए तैयार है, और उसी की तैयारी के क्रम में ये सब मैं रूटीन प्लान बना रहा हूँ। आइए गौर से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में मैं ऐसा फिगर लूँगा, सर्किट लूँगा जिसमें सेल रहेगा,
ठीक है ना। अब आपके सामने एक सर्किट बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एक जाल था सर्किट का, उसमें से एक बंद परिपथ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये बंद परिपथ मेरा हो गया ए बी सी डी ई से ए पर आ गए। यहाँ पर एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई वन, यहाँ पर दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ है ई टू, और यहाँ पर तीसरा सेल है जिसका ईएमएफ है ई थ्री। तीन सेल इस सर्किट में है, इसका रेजिस्टेंस है आर वन, इसका रेजिस्टेंस है आर टू, इसका रेजिस्टेंस है आर थ्री, इसका रेजिस्टेंस है आर फोर। इस तरह का आपका बना हुआ है। अब इसमें से आप देखेंगे गौर से, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आई फाइव, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई फोर, यहां करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी इसका डायरेक्शन पलट देते हैं, इधर यहां करंट फ्लो हो रहा है आई थ्री, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई टू, और यहां करंट फ्लो हो रहा है आई वन। ये एक सर्किट आपके सामने है, क्लोज सर्किट, बंद परिपथ आपके सामने दिख रहा है। इस बंद परिपथ में मैंने अपने आप को इस तरह से मूव कराया, मतलब मैं क्लोज सर्किट चुनूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा क्लोज्ड सर्किट बंद परिपथ, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ए बी सी डी ए डी ई ए ई ए, जहाँ चलेंगे वहाँ पहुँचेंगे तभी क्लोज होगा। क्लोज सर्किट हिंदी में कहेंगे बंद विद्युत परिपथ। ए बी सी डी ई ए में, इस बंद परिपथ में हमको अप्लाई करना है किरचॉफ सेकेंड लॉ। इस बंद परिपथ में मैं पूछूंगा आपसे टोटल ईएमएफ, या इसको बोलेंगे कुल विद्युत वाहक बल या प्रभावी विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, सिग्मा ई का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप देखना है तीन सेल आपको इस परिपथ में दिख रहा है, उस तीनों सेल में कोई पॉजिटिव है कोई निगेटिव होंगे, तो आप लोग अपने मन से आप बता दो, बहुत डिस्कशन हो गया है, आपका बुद्धि काम कर जाएगा। यहाँ पर इवन पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, तो आप किधर से किधर चल रहे हो, ए से बी में चल रहे हो, आपका चलने का दिशा ये है, तो सेल भी करेंट उसी दिशा में भेजना चाहता है या भेजता है, तो इसका ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे सर, ये ईएमएफ आपका पॉजिटिव हो गया। चलिए बी और सी में सेल नहीं है, सी और डी में सेल है सर, सेल है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका भेजने का नेचर इधर है और आप किधर जा रहे हो, इस दिशा में जा रहे हो। यदि आप इस दिशा में जा रहे हो तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो ईएमएफ लेंगे इसके नेचर के विरुद्ध गति कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर E2 का मान माइनस में लेंगे। और आ जाइए इसमें, इसमें भी आप इधर चलोगे ऐसे घूम के आप यहाँ पहुँचोगे, तो इसके करंट भेजने का नेचर इधर होता है और आप इधर जा रहे हो, तो ये E3 आपका क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो टोटल ईएमएफ आपका इस तरह से हो गया, आप ध्यान दीजिएगा आप गति किधर से किधर कर रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि सेल का करंट भेजने का नेचर है, मतलब पॉजिटिव उस रास्ते में मिला,
तो वैसे केस में ईएमएफ निगेटिव हो जाएगा। और यदि आप जा रहे हो और माइनस में प्रवेश कर रहे हो, प्लस से निकल रहे हो, तो वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा ईएमएफ। तो यह हो गया आपका टोटल ईएमएफ। अब आपको सिग्मा भी लेना है, मतलब विभवांतर का मान लेना है पूरे सर्किट में। तो पहला एबी को देखो, एबी में रेजिस्टेंस आर वन, करेंट आई वन, जिस दिशा में करंट जा रहा है उसी दिशा में हम भी गति कर रहे हैं, तो प्लस आई वन आर वन। बी और सी में गौर से देखिए, करंट का दिशा इधर है लेकिन हम लोग का गति का दिशा इधर होगा, बी से सी, तो करंट की विपरीत दिशा में हुआ, तो आई टू आर टू, यह माइनस में हो गया आपका। सी से डी में करंट इधर आ रहा है, हम लोग भी इसी दिशा में फ्लो कर रहे हैं, तो आई थ्री आपका पॉजिटिव होगा, आर थ्री हो जाएगा। अब इस डी और ई में करंट और सेम डायरेक्शन में है, ये भी आपका प्लस में हो जाएगा, आई फोर आर फोर। और लास्ट में इसमें देखिए, ई से ए में करंट का उल्टा हो रहा है, माइनस आई फाइव, आर है ये नहीं है, आई फाइव इंटू जीरो, रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं गया इस पथ में, तो करंट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से अब किरचॉफ सेकेंड लॉ के वी एल से शॉर्टकट में लिख लेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ बोलेंगे, से हम लोग कहेंगे सिग्मा ई बराबर सिग्मा डेल्टा भी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो सर आपका यहाँ पर इक्वेशन बन गया, ई वन माइनस ई टू माइनस ई थ्री इज इक्वल टू आई वन आर वन माइनस आई टू आर टू प्लस आई थ्री इंटू आर थ्री प्लस आई फोर इंटू आर फोर। सर ये बेकार हो गया क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस है ही नहीं तो उसका गप ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा गप हो गया यहाँ पर। ये किरचॉफ सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन एग्जाम्पल हो गया, कि मैंने उसका एग्जाम्पल ले लिया और यूज करके आपको मैं दिखा दिया। राइट, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, संतुष्ट हैं आप, खूब अच्छा से लिख सकते हैं ऐसा इक्वेशन। तो यही हुआ जिगजैग सर्किट, बहुत सारा चालक तार का एक जाल बना है नेट, उस नेट में किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए, फर्स्ट लॉ अप्लाई करने का मतलब कोई जंक्शन चुनेंगे, उस पर करंट टोटल करंट को जीरो करेंगे, और सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए एक क्लोज सर्किट का कल्पना करेंगे, क्लोज सर्किट चुनेंगे और उसमें हम लोग टोटल ईएमएफ को खोजेंगे और प्रत्येक ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी चीज़ इसमें कहेगा, चाहे ईएमएफ निकाल लें, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट, विभवांतर, कुछ भी चीज़ निकालने कहेगा, तो इस तरह से दोनों लॉ को अप्लाई करेंगे और दो इक्वेशन तीन इक्वेशन बनेगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। राइट, चलिए यहां तक आप पहुंच गए। तो अब यहां से हम लोग चेंज करेंगे पॉइंट और किरचॉफ लॉ और फर्स्ट लॉ का अप्लाई हम लोग के लाइफ में कहां होता है। तो चलिए हम लोग के लाइफ में जो अप्लाई होता है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस पर तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज को आप लोगों ने बहुत दिन पहले सुना था, कि जिस समय मैं कंडेंसर ही पढ़ा रहा था, कैपेसिटर, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस कंसेप्ट का अप्लाई कर दिया था और कहा था आएगा समय जहां प्रूव करेंगे। वो दिन आ गया, वो दिन आ गया, किरचॉफ लॉ का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग यूज करेंगे। तो हमारे सामने एक छोटा सा पॉइंट होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ वो कहां अप्लाई होगा। तो हमारे सामने एक पॉइंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिएगा इसका जो फंडामेंटल जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएंगे अभी।
विद इन 5 मिनट। फिर इसमें बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, वो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो यदि आज आप क्लास सुन रहे हैं तो कल आपको सुनना ही पड़ेगा, तभी आपका कंप्लीट वो पूरा होगा। अरे आज सुन लिया, आधा आधा जानकारी होगा, आधा जानकारी कल होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो सर ये अप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉ का, यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ का अप्लाई होगा, अप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ का जो अप्लाई होता है वो अप्लाई हम लोग करेंगे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये कोई व्हीट स्टोन ब्रिज, तीनों का मीनिंग समझते हो, अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। व्हीट क्या हो गया? गेहूँ। स्टोन पत्थर। ब्रिज हो गया पुल, ऐसा नहीं सोचना है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, और साइंटिस्ट है हमारे इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर सी एफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में उन्होंने जोड़ा है इसमें एक नया शब्द, क्योंकि यहाँ पर एक सेतु का निर्माण, पुल का निर्माण उन्होंने किया है, और उन्होंने किया इसीलिए उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका अप्लाई क्या होता है? इसका अप्लाई होता है आपके हाथ में कोई चालक तार दे दें, और इस तार के बारे में कहा जाए कि इस तार का प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है। तो आप छू को नहीं बता सकते हो ना, स्केल से नाप के नहीं बता सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं, छू के नहीं बता सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को निकालने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होनी चाहिए, और वही इंस्ट्रूमेंट बनाया है व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। इसमें एक शब्द यूज करेंगे हम लोग, जो मेन में बात सुनिए गौर से। इसमें क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, पार्ट्स पुर्जा में तैयार कर देता हूं पूरा, छोटा छोटा चीज क्या क्या यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज सर्किट में स्मॉल अमाउंट का करंट और उसके डायरेक्शन, धारा के मान को और धारा के दिशा को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा है गैल्वेनोमीटर। इसका स्पेशल थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के बाद, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एफिशिएंसी, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी मैं इसका यूज करूँगा यहाँ पर इस थ्योरी में। तो मैं हल्का सा आइडिया दिया कि गैल्वेनोमीटर है क्या, इसका सिंबल कैसे बनाएंगे। इस तरह का सिंबल आपका बना हुआ रहेगा, आप समझ जाएंगे कि यह गैल्वेनोमीटर सर ने बना दिया, राइट। उसमें जी लिखा रहेगा, ये जो जी रहेगा लिखा हुआ, यह बताएगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगा, इस करंट का सिंबल देंगे आईजी। आईजी जो होगा करंट फ्लोइंग थ्रू, और जहाँ हिंदी मीडियम है जी, हम इंग्लिश लिखने लगे, समझ जाना इतना सा बात तो समझिए जाओगे। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, क्या इतना सा समझ जाएंगे आप लोग इंग्लिश? कोई बात नहीं सर। तो गैल्वेनोमीटर आपका ये हुआ सिंबल हुआ। इसका काम क्या होता है गौर से देखिएगा। इसका जो एक्चुअल स्थल इसमें होता है, इसमें जो एक इंडिकेटर होता है इस तरह से, ये जीरो पर लगा रहता है। करंट यदि आप इधर से फ्लो करता होगा तो ये विक्षेप होगा इस दिशा में, इधर विक्षेप होता है, समझ जाते हैं करंट का डायरेक्शन ये है। और यदि विक्षेप उसका उल्टा दिशा में हो जाए, इधर ऐसे करंट फ्लो कराएंगे तो ये विक्षेप इस दिशा में, इस विक्षेप होकर इधर आएगा, तो समझ जाएंगे करंट का दिशा ये है। तो करंट का वैल्यू भी बताएगा और उसके डायरेक्शन को भी बताएगा, यही है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ये बड़े बड़े वैल्यू को नहीं माप सकता है, अल्प करंट को मापता है। तो इस गैल्वेनोमीटर का यूज अभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में करेंगे। स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, फिगर बना के समझा देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट है व्हीटस्टोन, उन्होंने एक सेतु ब्रिज का निर्माण किया, जिस ब्रिज में आप देखोगे, कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, चार गो चालक तार एक चतुर्भुज के रूप में जुड़ा होता है। किस रूप में जुड़ा होता है? एक चतुर्भुज के रूप में जुड़ा होता है।
चतुर्भुज में चार को कोना होगा कि नहीं होगा? यस सर, चार कोना होगा, चार कॉर्नर होगा, फोर कॉर्नर होगा। इस फोर कॉर्नर्स में इसका नाम मैं ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया, इसका नाम डी। अपोजिट कॉर्नर कौन कौन सा होगा? ए और सी अपोजिट कॉर्नर होगा, बी और डी अपोजिट कॉर्नर होगा। ए और सी के बीच में एक सेल को जोड़ा जाता है, सोर्स ऑफ करंट को जोड़ा जाता है, जो इस सर्किट को करंट भेजता है उसको जोड़ा जाता है। और बी और डी के बीच में इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है, तो उस गैल्वेनोमीटर को मैं जोड़ रहा हूँ, यह आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। तो ये ए और बी जो है ये एक रेजिस्टेंस है, चालक तार है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ होगा। बी और सी जो है यहाँ भी रेजिस्टेंस है, इसमें भी सी और डी जो है इसमें भी रेजिस्टेंस है सर, और ए और डी जो ये चालक तार है तो इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो चार चालक तार को चतुर्भुज के रूप में जोड़ेंगे तो सबका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। इसके रेजिस्टेंस को माना P, इसके रेजिस्टेंस को माना Q, इसके रेजिस्टेंस को माना R, इसके रेजिस्टेंस को माना S। यही S जो होता है वो ज्ञात होता है, उस चालक तार को यही जोड़ेंगे जिसका हमें प्रतिरोध निकालना पड़ता है। चालक तार हाथ में देंगे, कहेंगे प्रतिरोध निकालो, ये P, Q और R ये तीनों पहले से मालूम है, उस चालक तार को यहाँ ला के जोड़ देंगे जो मुझे मालूम नहीं है, इसी को निकालना है। तो इस सिस्टम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और इस सिस्टम को तैयार करने वाले जो साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के व्हीटस्टोन साहब थे, और इन्होंने जिसका जो निर्माण किया इसका नाम इन्होंने रख दिया ब्रिज, पुल, सेतु। क्यों कहा? क्योंकि आप पुल पे जब चलते हो, विचार करो गौर से, यह रोड है, इस तरह से पुल बना हुआ है, इतना उठा तो नहीं, लेकिन हाँ चाप के रूप में पुल का निर्माण होता है हमेशा। तो जब यहाँ चलोगे तो इस पर चलते हुए ऐसे निकलोगे कि गड्ढा में जाके गिर जाओगे, यहाँ पर नहीं गिरते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है कि इन्होंने जो निर्माण किया, करंट सेल ने दिया, यहाँ पर ऐसे चला, यहाँ आया करंट, इसको दो रास्ता मिला, करंट इसमें फ्लो किया और इसमें फ्लो करेगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा, याद रखना, इसमें फ्लो नहीं करता है और इस तरह से निकल के आ जाता है। तो मतलब करंट जो है पुल पर गति किया, गड्ढा में जाके नहीं गिरा, इसलिए उन्होंने का नाम रख दिया ब्रिज, पुल इसका नाम रख दिया। आइए गौर से, अब इसमें क्यों नहीं गया होगा वो बात मैं बता रहा हूँ मैं आपको, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सेल से करंट भेजा गया, यहाँ करंट आएगा जंक्शन ए पर, मेन करंट ए आई हुआ, ये करंट यहाँ दो भागों में बटेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, और ये उधर से होते हुए यहाँ आएगा और ये इधर से होते हुए यहाँ आएगा, दोनों मिल के फिर आई बन जाएगा, और इस तरह से सर्किट में फ्लो होता है, मेन करंट आई इस तरह से फ्लो होता है। इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए ये पुल के जैसा व्यवहार करता है। तो क्या हमेशा नहीं करेगा या कभी करेगा कभी नहीं करेगा, इसका जवाब आपको आराम से मिल सकता है, और आप बच्चे होशियार हैं, आप जरूर जानते हैं इसका जवाब। क्या जानते मालूम है सर? विद्युत धारा का प्रवाह दो समान विभव वाले बिंदुओं के बीच नहीं होता है। तो जैसे बी बिंदु पर और डी बिंदु पर विभव समान हो जाए, यहाँ विभव मान लो वी ए, यहाँ विभव मान लेते हैं वी डी, ये नहीं बी है तो बी दीजिएगा, जब वी ए बी और वी डी बराबर हो जाएगा बाबू लोग, तो आप सारे बच्चों को पता है कि समान हो जाने पर करंट फ्लो नहीं होगा, आई जी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से फ्लोइंग करंट का सिंबल क्या देंगे? आई जी, पहले आपको बता दिए थे। तो जैसे इन दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तार जुटा हुआ भी है फिर भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि समान विभव वाले बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, लेकिन विभव समान है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे नहीं होगा तब इस सिस्टम का नाम होगा संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज दो स्टेप में काम करेगा, संतुलन की स्थिति में भी काम करेगा और असंतुलन की स्थिति में भी काम करेगा। तो ये स्थिति के बारे में चर्चा जानने के लिए ब्रेक के बाद अगले क्लास में मिलेंगे, तब आपको बताएंगे। तो आपको पता है, यदि अच्छा लगा
तो एकदम लाइक करने के लिए मत भूलिए, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, निश्चित रूप से कीजिए और जुड़िए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 से 2.5 घंटा में वीडियो ऑफ हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, इसको फॉलो करना है हार्ड एंड फास्ट। मैं लकड़ी बनाने वाला मिस्त्री हूँ, आप लोग हमसे लोहा का सामान बनवाना चाहते हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको भी लकड़ी का सामान बनवाना है, मतलब आपको लकड़ी का ही सामान तैयार करवाने की चेष्टा रखना है, उसी अनुसार से प्लानिंग करना है, राइट? आगे बढ़े, यस, बाय बाय।